नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूज, आपको पता है सरकार ने अल्टीमेटम दे रखा है, आपको सबको पता ही होगा, वीज़ा से रिलेटेड। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं 1 मार्च से पहले, उनका लास्ट एंड फाइनल टाइम दिया है 10 अगस्त। पहले 17 अगस्त था, उसको 10 अगस्त कर दिया। ये अपडेट मैं बता रहा हूँ 6 अगस्त शाम को 5 बजे तक की न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, और अभी तक लोगों में क्या हो रहा है कि जैसे वीज़ा जैसे नज़दीक आ रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है 10 अगस्त के बाद आप दुबई में नहीं रह सकते इलीगल वर्कर्स। जे आप विजिट वीज़ा में हो, चाहे परमिट वीज़ा में हो, इमिग्रेंट्स आईडी, रेजिडेंशियल वीज़ा, एक्सवाइजेड कोई भी वीज़ा हो, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। उस पर क्या है कि न्यूज़ चल रही है यूट्यूब्स पे, जी हाँ, सोशल मीडिया पे, यानी सच्चाई ये है कि फेक जानकारी लोगों को दी जा रही है। जी हाँ, और ये किसके लिए, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा सब्सक्राइब पाने के लिए, या फिर ज्यादा फॉलोवर, या फिर ज्यादा अपनी रीच बढ़ाने के चक्कर में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए, ये दुबई का सबसे बड़ा, बता दूं आपको, अखबार है, आपने देखा हो, देख सकते हैं, अल खलीज टाइम्स। जी हाँ, दुबई का सबसे बड़ा अखबार है, उसने ये न्यूज छापी है मेन पोस्ट पे। और ये बता दूं 6 अगस्त शाम को 6:05 की ये न्यूज़ है। जी हाँ, उन्होंने ये बताया कि कुछ भारतीय यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया हैं, जो ये गलत लोगों को धार्मिक जानकारी दे रहे हैं। जानकारी क्या, 10 अगस्त के बाद आप दुबई में रह सकते हैं, सितंबर तक आप रह सकते हैं बिना फाइन दिए। जी हाँ, उसके बाद आप यहीं रह के अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। जबकि ये क्लियर है कि अगर स्टेटस वीज़ा चेंज करवाना होगा तो जितना फाइन है वो चुकाओ, उसके बाद वीज़ा लगेगा। अगर फाइन नहीं देना है तो कंट्री इन आउट आपको करना पड़ेगा। ये बातें हैं, हम आपसे इतना वीज़ा का पैसा लेंगे, हम इतना ले रहे हैं, इतना, मतलब ये बातें खलीज टाइम ने बताई है। और मैं बता दूं भाई, उसने ये नहीं है कि कोई छोटी सी बात बताई है, अगर यहाँ से शुरुआत करें तो ये देखिए, यहाँ तक इतने लंबा चौड़ा लेख उन्होंने लिखा है खलीज टाइम ने, यहाँ तक आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा, ये 1 फुट के करीब इसकी स्क्रीन है, तो आप देख सकते हैं पूरा इंडियन के बारे में भरा पड़ा है। तो मेरे भाई, शर्म नहीं आती आपको, आप शर्म कर लो थोड़ी बहुत, गलत न्यूज़ लोगों को दे रहे हो और ये अफवाह फैला रहे। खलीज टाइम दुबई का अखबार है, ये यूएई का अखबार अपना नहीं है ना, इंडियन नहीं है ना। ये जब ये बता रहे हैं कि इंडियन ब्लॉगर्स हैं मलयालम लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, ये गलत अफवाहें लोगों को फैला के भ्रमित कर रहे हैं। अब ये जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके वीडियो देखते हैं और उन ये वीडियो देख के आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ जी अपने को 1 महीने का टाइम लग गया, इन लोगों की तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप, आपकी वजह से इनकी तो बर्बादी हो जाएगी। मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजा, ये देखो सर 17 अगस्त हो गई, 6 बजे तक कोई 17 अगस्त नहीं हुई थी भाई, हालांकि 17 अगस्त पहले थी, 10 अगस्त लास्ट डे थी, उसके बावजूद भी मैंने भी पढ़ा 17 अगस्त बढ़ा दी गई, लेकिन ये आधिकारिक न्यूज, मैं तो मैंने सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिली भाई 17 अगस्त हो गई। एक पे सिर्फ एक ट्वीट था, वो ट्वीट नकली है असली है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको असली नहीं मानता, क्योंकि अल खलीज जो अखबार है उसमें भी आती है उनका ट्विटर, और भी बहुत सारे ट्विटर, इंडियन एम्बेसी भी ये ट्वीट करती कि भाई आपका टाइम 17 अगस्त तक, यानी 7 दिन का टाइम और मिल गया, ये मैं सोची कि आपको 1 महीना मिल जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। तो बंदे बन के भाई गलत न्यूज़ नहीं दो, क्योंकि लोग जो आपका चैनल देखते हैं आपके ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे 100 लोग देखें, चाहे 1000 देखें, लेकिन वो फिर विश्वास करके आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। उनका खर्चा, वो तो ब्लैकलिस्ट होने फिर, क्योंकि उन जुर्माना है नहीं, जेल काटो, ब्लैकलिस्ट हो, क्या मतलब है यार झूठी न्यूज़ देने का। तो भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी न्यूज़ देखने से बचें, क्योंकि लोग है ना, जितना झूठ बोलेंगे ना उतने ज़्यादा लोग पॉपुलर होंगे, ये आप माइंड में यहाँ बिठा लें। सच, जो सच के साथ वीडियो बनाते हैं, जो जानकारी देते हैं, उनको कोई नहीं देखता, ये फैक्ट है, ये तो मैं देख चुका हूँ, समझ गए बात को। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।